हेलो फ्रेंड, चलिए आज मैं फिर आपके लिए एक नई भगवत गीता बुक लाया हूँ। देख सकते हैं ये ओशो हैं, ओशो का बुक है गीता, गीता दर्शन। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह बुक कैसे लिखा हुआ है, कैसे दिया हुआ है। मैं आपका सारा पार्ट दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अध्याय 1 और 2। ये अध्याय 1 और 2 लगभग 900 पेज में है। अब देखिए स्टार्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है, सीधे स्टार्ट हो जाता है। कारण देख सकते हैं #1 आ चुका है विचार। तो यह पहला अध्याय है देख सकते हैं। तो इसमें आपको पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, स्टोरी वाइज मिलेगा देख सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा आपको पूरे गीता को। और इसमें आपको कुछ सवाल मिलेगा देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, तो आपको सवाल भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं उसका जवाब भी आपको मिलेगा, लोगों ने क्या सवाल किया है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं पूरे कहानी के माध्यम से इसमें समझाया जाएगा। लगभग 900 पेज, लगभग 2 अध्याय कवर किया है 900 पेज में। इसका लगभग 18 किताब है, 18 किताब, प्रत्येक अध्याय के लिए अलग अलग किताब है देख सकते हैं। यहाँ संस्कृत श्लोक दिया हुआ है, फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाता है। फिर देख सकते हैं संस्कृत श्लोक दिया हुआ है, फिर कहानी। प्रथम अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है देख सकते हैं ओशो का, ओशो। यहाँ कुछ आपको प्रश्न भी इम्पोर्टेंट पढ़ने, प्रश्न भी मिल जाएगा जो आपको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अध्याय 2 तक दिखा देता हूँ। फिर देख सकते हैं यहाँ अध्याय 2 आ चुका है, अर्जुन के विषाद का मनोविश्लेषण, अध्याय 2 आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ श्लोक दिया हुआ है सीधे सीधे, और उसका एक कहानी के माध्यम से आगे समझाया जाएगा आपको। तो इसमें आपको कंप्लीट बायोग्राफी कर सकते हैं कि गीता का बायोग्राफी आपको मिल जाएगा कंप्लीट। तो मैं आपको इसका अगला पार्ट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं अध्याय 3 आ गया है, अध्याय 3 का अलग किताब है, अध्याय 1 और 2 एक ही किताब में, अध्याय 3 अलग किताब में देख सकते हैं। अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो यहाँ देखिए स्टार्ट हो चुका है अध्याय 3, स्वधर्म की खोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहानी का माध्यम से जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से। यदि कर्म से उपलब्ध है तो इसका अर्थ होगा कि वह जो हमें आज नहीं मिला हुआ है श्रम करने से कल मिल सकता है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ यह है वह हमारा स्वभाव नहीं अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो एक पूरे कहानी के माध्यम से आपको पूरी भगवद गीता समझाई जाएगी। हालांकि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, एक किताब 180 पड़ जाता है, लगभग 18 किताब है देख सकते हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ओशो का पूरा कलेक्शन यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए। Volume 1, 2, 3 आपको दिखाया था, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया, उसके बाद देखिए आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो लगभग 18 अध्याय दिया हुआ है। 18 अध्याय आप देख सकते हैं, पेज 582 पेज है इसमें। इसके पिछले वाले मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए 973 पेज है। प्रत्येक किताब में लगभग 800 से 900 पेज है प्रत्येक वॉल्यूम में। तो देखते हैं 800 से, कह सकते हैं कि 800 से 900 पेज का एक एक अध्याय दिया हुआ है। भगवद गीता टोटल 18 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय 800 से पेज में कवर किया गया, आप देख सकते हैं पूरे। हाँ प्राइस भी आप यहाँ देख ही रहे होंगे, 310, 180, और रेटिंग देखिए 5 स्टार आउट ऑफ 5 मिला है इनको। तो फ्रेंड यदि आपको ख़रीदना हो तो आप अमेजन से ख़रीद सकते हैं, वहाँ यह बुक अवेलेबल है। ज़्यादा रिव्यू तो नहीं दिया हुआ है इसका, लेकिन बुक काफ़ी शानदार है।